हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुसरत, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। आज का अजीब और गरीब ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूं अपने नाश्ते से। नाश्ता मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि आजकल जो है मैं सख्त किस्म की डाइटिंग पे हूं, क्योंकि मुझे जाना है शादी में पंजाब में, तो जिसकी वजह से मुझे डाइटिंग करनी पड़ी है। खैर, मैं इतनी मोटी नहीं हूं, पर जितनी भी हूं मुझे ना पतले ज़्यादा अच्छी लगती हूं, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर रही हूं, थोड़े से बिस्किट और चाय का कप। नाश्ता हो गया था मेरा कंप्लीट। अब हमने जो जाना है स्कूल में अपने छोटे भाई का रिजल्ट लेने, ये जो स्कूल है, ये जो जगह जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जगह है, क्योंकि हम पांच बहन भाई हैं, हमने ये पांचों ने यहीं से स्कूल कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिल के जगह बहुत करीब है। एक छोटा भाई था जिसका रिजल्ट लेने के लिए हम लोग जाया करते थे अक्सर फंक्शन या इवेंट वगैरह में, तो अब वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसका लास्ट रिज़ल्ट था मैट्रिक का। माशाल्लाह से अब वो मैट्रिक के एग्ज़ाम देगा। जब यहाँ से हम रिज़ल्ट लेके जा रहे थे तो एक दिल ना अजीब सा परेशान सा हो रहा था कि यार अब हमने यहाँ नहीं आना, और हमारा मतलब स्कूल से आज ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है। पहले किसी ना किसी बहाने आ जाया करते थे, तो थोड़ी यहाँ पे थोड़ी क्या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि बचपन ही हमने यहाँ गुजारा है और स्कूल तो चीज़ ही ऐसी होती है जो भूली नहीं जाती। काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से स्कूल से आते ही जो है मैंने अपने हेयर कलर करना था, मैंने तो उसके लिए मैं तैयार हो गई। मैंने ऐसे ही बाजू चढ़ाए हुए और मैं कैमरे के सामने आ गई, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने बाजू चढ़ाए हुए ऊपर। और मैं अभी यहाँ पे आपको ना अपने बालों का कलर दिखा रही थी कि मेरे बाल ना कैमरे में ब्लैक नज़र आते होंगे आप लोगों को, पर ये डार्क जो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर होता है ना वो है। और मैंने अपने बालों में जो आज तक मैं आपको दिखाती हूँ अपने चैनल पर, उन चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की। यहाँ तक कि मेहंदी भी सिर्फ मैंने एक बार बचपन में अप्लाई की थी, और मेरे बालों का कलर नेचुरल ही जो है वो डार्क ब्राउन शेड है, कहीं डार्क ब्राउन है कहीं ब्लैक है, तो मैंने कहा एक साल कर लेते हैं। और मुझे जुनून चढ़ा हुआ था कलर का, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बालों में कौन सा कलर जो है किस तरह का रहेगा, तो मैंने दो तीन वीडियोस देखी यूट्यूब की, क्योंकि आजकल तो भाई ज़माना है यूट्यूब का, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पे देखो और जाके ख़रीदो फिर इस्तेमाल करो। तो मैंने मुझे गार्नियर ठीक लगा तो मैं गार्नियर के ये कलर लेकर आ गई। मेरे बालों में तो अच्छे खासे पैकेट लग गए, मतलब तीन शायद लग गए या चार, तो क्योंकि मेरे बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है और मेरे बाल माशाल्लाह वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इस वजह से मुझे पता नहीं क्या जुनून चढ़ावा है कलर करने का। मुझे ब्लैक बाल चाहिए, मुझे ब्लैक, मुझे मैं असल में ना मैंने अरिका हक की वीडियोस देख देख के ना वो ब्लैक शाइनी बाल देख देख के ऐसा क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि मैंने कहा मैंने भी यार अब अपने बाल ना फुल ब्लैक जट करने हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो उस चक्कर में मैं यहाँ पे डेवलपर और जो वो कलर था वो उसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से, और ये बिल्कुल ब्लैक लिया था मैंने। मैंने मुझे लेना चाहिए था दो ब्राउन और एक ब्लैक लेना चाहिए था, तो तब मेरे बालों का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता। वैसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा और प्यारा रिजल्ट आया था क्योंकि बिल्कुल जट हो गए थे ब्लैक बाल, पर अभी जो है मैंने यहाँ पे सारे कलर को मिक्स करके अब मैंने यहाँ पे अप्लाई करवाना शुरू कर दिया, और एंड में मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बालों पे किस तरह का कलर आया था। अभी भी आपको मेरे बाल ब्लैक लग रहे होंगे बिल्कुल, पर ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क 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 ब्राउन कलर है, ब्लैक नहीं है। तो कैमरे में ब्लैक पता नहीं क्यों आते हैं इतने ज़्यादा ना, और पिक्चर्स बनाऊँ तो ब्राउन बाल आते हैं, मुझे समझ नहीं आती बालों का मसला क्या है। तो इस वजह से मैं बालों पर कलर अप्लाई कर रही थी। तो यहाँ गार्नियर का मैंने कलर लिया था, सॉरी, तो यहाँ पर पैकेट जो था वो मुझे 125 का पड़ा था, इतना कोई महंगा कलर नहीं है और बिल्कुल भी इसने बाल डैमेज नहीं किए मेरे। तो इसको 15 मिनट लगाना था और 15 मिनट के बाद वॉश करके मैं आपको दिखाऊंगी। कलर लगाने के बाद मैंने कहा 15 मिनट है मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने फ़ौरन जाना था गोल्ड मार्क शॉपिंग के लिए और दो नंबर वगैरह, मतलब जहाँ चीज़ पसंद है वहाँ से लेने के लिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें लड़कियों की एंड टाइम तक रह ही जाती हैं। तो यहाँ पर मैं फालसे का जूस बना के रख के जा रही थी, मैंने कहा कि जब हम आएँगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये ठंडा हुआ होगा और हम आते ही पी लेंगे सुकून के साथ, क्योंकि शॉपिंग करने जाओ ना यार सुबह में, मतलब आप 10-11 बजे आप निकलते हो गोल्ड मार्क के लिए तो आपको 4-5 आराम से बच जाते हैं मार्केट में ना, तो इसके लिए आने के बाद तो टाइम था नहीं हमारे पास कि हम आएँ और अपने लिए कोई जूस वगैरह बनाएं, और घर पे छोटी होती है तो उसको हम इतना काम वाम देते नहीं हैं। तो मैंने कहा बना के रख जाते हैं, आते ही ठंडा ठंडा पी लेंगे, थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा। बाकी मैं कैमरे के मामले में बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की हूँ, मैं किसी के सामने कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर वीडियो बना सकी शॉपिंग की तो बनाऊँगी वरना नहीं। 15 मिनट के बाद मैंने जो है कलर को अपने बालों से वॉश कर लिया था, बाल धो लिए हैं, और अभी आप लोग देख लें बिल्कुल जट ब्लैक कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा प्लीज़,
क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे बाल लग रहे हैं माशाल्लाह से, और शाइन भी बहुत ज़्यादा आई है। बस कलर का ये था कि बाल थोड़े से जो हैं वो कड़क हो गए थे, तो मैंने थोड़ा कंडीशनर यूज़ कर लिया था। आपस की बात है जो मैं बता रही हूँ आपको, तो मैंने कंडीशनर यूज़ कर लिया था। उसके बाद अब मैं हेयर मास्क वगैरह लगाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, पर कलर बहुत खूबसूरत आया है। और मैंने अभी जो है वॉइस ओवर तो मैं लेट कर रही हूँ, अभी मैं 2 से 3 बार अपने जो है सर को वॉश भी कर चुकी हूँ, पर मेरा ज़रा भी कलर नहीं निकला। पहले वॉश में, सेकेंड वॉश में निकला था और अब तक वैसा ही है, बहुत खूबसूरत कलर आया है। शॉपिंग करके हम जो है 3 बजे के करीब घर आ चुके हैं, और अब जो है थकावट इतनी ज़्यादा है, फिर भी हमने कहा कुछ खा लेते हैं। रोटी वगैरह तो मैं मतलब कम ही खा रही हूँ, फ्रूट्स ज़्यादा ले रही हूँ, जूस ज़्यादा ले रही हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर तरबूज काटने लगी हूँ अपने लिए और सारे घर वालों के लिए। तरबूज इंतहा का पसंद है, मतलब अगर तरबूज नहीं है ना तो कोई फ्रूट मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना पसंद है। चलो अभी ये खाते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेस्ट करने के बाद मैं आपके साथ भी वो चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं मेकअप वगैरह के लिए लेकर आई हूँ, फेशियल वगैरह। तो जो जो चीज़ें मैं लेकर जा रही हूँ, मैंने कहा मैं पैक कर रही हूँ तो साथ साथ आपको भी दिखा दूंगी, क्योंकि इसके बाद जो है टाइम नहीं है हमारे पास, कपड़े वगैरह की भी पैकिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है लॉरियल का कंडीशनर। मैं ज़्यादा कंडीशनर यूज़ नहीं करती, पर जब यूज़ करती हूँ तो ये वाला यूज़ करती हूँ। दूसरा मैंने एलोवेरा जेल रखा है स्किन के लिए, और मैंने यहाँ पे ब्लैक कार का परफ्यूम लिया है। यहाँ पे ये स्किन शाइनर है जो हमने ब्लीच में ऐड करना होता है, और ये एक बॉडी स्प्रे रखा है क्योंकि गर्मी है तो पसीना बहुत आता है तो उसकी वजह से। और ये लिवॉन सीरम है जो आपने स्ट्रेट करने से या कर्ल वगैरह करने से पहले, हेयर स्टाइल बनाने से पहले बालों में अप्लाई करना, बहुत आला खुशबू आती है। ये टिंकल रेजर है, इनका आप सबको पता है, ये हेयर रिमूवल के लिए। और यहाँ पे मैंने ये स्क्रब लिया है डर्मा शाइन का, जो कि अच्छा है। और ये मैंने स्विस का जो है मसाज क्रीम ली है स्विस की, और ये स्विस के मैंने क्लिंजर लिया है। मैंने पूरा फेशियल नहीं लिया, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी मैंने वही लिया, मास्क मेरे पहले से मौजूद था। चलें अब इन सब चीज़ों को पैक करते हैं। पिछली बार जो हम सामान लेकर गए थे ना, तो हम अलग अलग शॉपरों में लेकर गए थे, तो हमारा सामान ना काफ़ी ज़्यादा गुम हो गया था, टूट गया था, इधर उधर रह जाता है सामान। ये जो 2 पाउच लिए थे ना बैग, मैंने बहुत ही सस्ते मुझे मिल गए थे लंडे में से, 50-50 रुपए में, पर यार ये बहुत ही अच्छे थे और इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस थी। ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, आपको अच्छी मिली जाती हैं, और इसमें सारा सामान आ गया था और गुमा भी नहीं। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आई शेडो पैलेट रख रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा ब्लश ऑन, और बॉब का जो है मस्कारा ले रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लैशेस के लिए। और यहाँ पे मैं डूडू गर्ल है शायद यहाँ पे, यहाँ और कीप कलर का शायद, हाँ मैं यहाँ पे ये आईब्रो किट ली है। फिर मैंने शाइनर लिया है लिक्विड, और उसके बाद शाइनर कह रही हूँ हाइलाइटर लिक्विड लिया है। और यहाँ पे मैंने मिस रोज़ की फाउंडेशन ली है, फेयर नंबर है इसमें। और जो है उसके बाद अब हम, और मैंने लिया है यहाँ पे युवराज का एक और फाउंडेशन, क्योंकि जो वो है फेयर वो वाइट कास्ट देता है काफ़ी ज़्यादा, तो ऑनलाइन मंगाया था तो इसलिए कुछ ज़्यादा समझ नहीं, तो मैंने युवराज का भी रख लिया थोड़ा डार्क टोन में। और ये मैंने 2 लिपस्टिक रखी हैं जो कि मेरे फेवरेट कलर हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई लाइन वो हाइलाइटर भी रखा है, प्राइमर है ये किस ब्यूटी का, और मैंने यहाँ पे कंसीलर भी लिया है, ये लूज पाउडर रखा है मैंने। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कम है पर अच्छी चीज़ें हैं। एट्यूड का मैंने रखा है, और ये गार्निएर का कंसीलर वाटर। चलो इन सब चीज़ों को भी पैक करते हैं। इन पाउच ने तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान बना दी कि मेरा सारा का सारा जो मेकअप और सारा सामान था वो दोनों इन्हीं पाउच में आ गया, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इन्होंने जगह नहीं घेरी। अब सिर्फ कपड़े पैक करना रह गए हैं, और ये हमारी पैकिंग हो गई है। और मैं एक ही बात सोच रही थी, वो ये कि हमें हमेशा ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं लोगों के पास ना खाने के लिए भी नहीं होता। और जब मैं ये सारी शॉपिंग कर रही थी ना, मैं सिर्फ इतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला का एहसान है हज़ारों करोड़ों मरतबा कि हम अपने हाथ से अपनी मर्ज़ी की पसंद की कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। मैं कोई इतनी फेमस यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि जिसके पास PR आते हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें खुद ख़रीदी हैं, यकीन करें बिल्कुल सारी चीज़ें खुद ख़रीदी हैं। अल्लाह का करोड़ों मरतबा शुक्र है, और आप लोग सब लोग भी शुक्र अदा किया करें, जितना शुक्र अदा करेंगे ना उतना ज़्यादा मिलेगा, और जब ज़्यादा मिलने लग जाता है ना तो आप लोगों में भी दिया करें ताकि अल्लाह ताला खुश हों। बस अल्लाह ताला को राज़ी रखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी भी और मेरी भी और हम सब की। अब देखते हैं कि जो काम रह गए हैं बाकी वो सारे करते हैं, कपड़े वगैरह पैकिंग करने हैं, और जो है टिकट वगैरह बैग वगैरह देखने हैं, पावर बैंक चार्ज करना है। टिकट हो गई है हमारी बुक, अब हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। दुआ कीजिएगा।
पहली बार टाइम पे आई हूँ।